हेलो फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था व्हाई सेविंग मनी इज लूजिंग मनी। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज्यादा लाइक किया, लेकिन उस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन अराइज होती थी जो ये थी कि अगर हम पैसे को बस सेव करके इन्वेस्ट करते रहें तो हम गाड़ी बंगला या और भी चीजें जो हम खरीदना चाहते हैं वो कब खरीदें। आज हम इस वीडियो में इसी क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे। देखिए, सीधी सी बात है, इस वीडियो में और अपने लाइफ में आगे बढ़ने से पहले एक स्टेटमेंट को अपने दिमाग में चिपका के रख लीजिए जो ये है, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ योर लाइफ द वैल्यू ऑफ योर कार एंड होम शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ योर नेटवर्थ एट एनी कॉस्ट इफ यू वॉन्ट फाइनेंशियल फ्रीडम। इसका मतलब ये कि आपके गाड़ी और बंगले की कीमत आपके टोटल नेटवर्थ के 10% से ज्यादा कभी भी नहीं होनी चाहिए अगर आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि बाकी के 90% क्या होने चाहिए। बाकी के 90% आपके होने चाहिए बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट। अगर आप बिजनेस नहीं भी करते तो आपके 90% आउटसाइड इन्वेस्टमेंट जरूर होने चाहिए ताकि आप हर वक्त फाइनेंशियली फ्री रह सकें। क्योंकि देखिए, घर और गाड़ी दो ऐसी चीजें हैं जो हमारा बहुत सारा पैसा खा जाती हैं और इनसे हमें कभी भी एक रुपए का भी रिटर्न नहीं मिलता है। इनफैक्ट ये दोनों हर महीने हमारे लिए एक्स्ट्रा खर्चे जरूर लेके आती हैं। मतलब हर महीने आप 10% के खर्चे भरोगे और 90% से आपको रिटर्न्स मिलेंगे जिससे आप कभी भी फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड नहीं बनोगे। अब ये स्टेटमेंट है तो बहुत सिंपल, पर इसे फॉलो कर पाना उतना आसान नहीं है। क्योंकि आज के डेट में आपकी नेटवर्थ 1 करोड़ भी क्यों ना हो, आप उसके 10% जो कि होते हैं 10 लाख उससे अपनी मनपसंद घर और गाड़ी नहीं खरीद सकते। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए? आपको अपना खुद का घर नहीं खरीदना चाहिए, आपको वो रेंट पे लेना चाहिए। और रही बात गाड़ी की, अगर वो आपको सही में चाहिए तो आपको एक सस्ती से सस्ती सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदनी चाहिए ताकि आपका काम चल सके और अपने सारे पैसे को बिजनेस में या आउटसाइड इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और अपने पैसे को लगातार ग्रो करते रहना चाहिए उस पॉइंट तक जब आप उसके 10% या उससे भी कम में अपने खुद के घर और गाड़ी खरीद सकोगे। एंड ऑफ कोर्स ये एक लंबा रास्ता है, पर ये डायरेक्टली जाती है फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अगर आप इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो। चलिए, इस पॉइंट को प्रूफ करने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। आज के डेट में मुकेश अंबानी 6000 करोड़ के घर में रहते हैं और उनके पास 2 private jets हैं जिनकी टोटल वैल्यू होती है लगभग 1500 करोड़ के आसपास। और उनके कार्स, हेलीकॉप्टर्स, इधर उधर की चीजें मिला करके आप 10000 करोड़ भी कर दोगे ना तो वो उनकी नेटवर्थ का बस 4.16% होती है। क्योंकि उनकी टोटल नेटवर्थ है 2,40,000 करोड़ रुपए। यही सेम चीज अप्लाई होती है वॉरेन बफेट पे, बिल गेट्स पे या दुनिया के किसी भी रिच आदमी से। इनफैक्ट आप अपने एरिया के सबसे रिच आदमी को जिसे आप खुद जानते हैं उनके घर और गाड़ी की वैल्यू निकालिए और उनके बिजनेस या प्रॉपर्टीज की वैल्यू निकाल के देखिए, आपको ये 90-10 रूल वहाँ भी नजर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप इसे अपने लाइफ में जरूर अप्लाई करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।